हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग नीति आयोग के बारे में पढ़ रहे थे। इसके तहत हमने नीति आयोग का विकास या उत्पत्ति या स्थापना कब हुई और उसका योजना आयोग से क्या अंतर है और जो नीति आयोग है उसकी संरचना के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम नीति आयोग के उद्देश्य और उसके कार्यों के बारे में देखते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि सतत विकास ही जीवन की विधि है और ऐसा व्यक्ति जो अनुकूल दिखाई पड़ने के लिए अपने धर्म सिद्धांत को बनाए रखने का प्रयत्न करता है और सदैव स्वयं को भ्रामक स्थिति में धकेलता है। नए भारत को इस स्वप्न और परिवर्तित गतिशील शक्तियों से साक्षात करते हुए शासन व नीतिगत संस्थाओं को नई चुनौतियों के अनुकूल होना जरूरी है और भारत के संविधान के निर्माणकारी सिद्धांतों, हमारी सभ्यता के इतिहास तथा वर्तमान में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में प्राप्त ज्ञान की संपदा के आधार पर उसको क्या है निर्मित होना चाहिए। उक्त दर्शन के आधार पर नीति आयोग की स्थापना के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं। पहला है राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना, इसका उद्देश्य है। सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसको स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्रों के माध्यम से क्या है सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। ग्राम स्तर पर यानी विलेज लेवल पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना और इन सभी को उत्तरोत्तर रूप से क्या है सरकार के उच्चतर स्तर तक पहुँचाना, इसका भी उद्देश्य है। जो क्षेत्र विशेष रूप से आयोग को निर्दिष्ट किए गए हैं उनकी आर्थिक रणनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को सम्मिलित करना भी इसका उद्देश्य है। हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना जिन तक आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से क्या लाभान्वित नहीं हो पाए हैं उनको भी क्या है इसमें शामिल किया जाता है। रणनीतिक और दीर्घ अवधि के लिए उचित नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार किया जाता है और इसकी पहल की जाती है और उसकी प्रगति और क्षमता को क्या है मॉनिटर करना भी क्या है इसका उद्देश्य है। और मॉनिटरिंग और फीडबैक के आधार पर क्या क्या नए सुधार किए जा सकते हैं उसके लिए भी क्या है बीच बीच में मध्यावधि संशोधन किया जाता है। महत्वपूर्ण जो मतलब लाभार्थी हैं तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और साथ ही शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं के बीच परामर्श और भागीदारी को प्रोत्साहन देना भी क्या इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और जो वृत्तिक हैं मतलब जो इसकी आजीविका करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अन्य भागीदारों के सहयोगात्मक समुदाय के माध्यम से ज्ञान नवाचार उद्यमशीलता की सहायक प्रणाली को भी विकसित करना इसका उद्देश्य है। विकास के एजेंडे के क्रियान्वयन में तेजी लाने के क्रम में इंटरसेक्टोरल और इंटर डिपार्टमेंटल जो हैं अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय जो मुद्दे हैं उनके भी समाधान का एक मंच प्रदान करता है। अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाना जो राष्ट्रीय सुशासन तथा सतत व न्याय संगत विकास के सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों पर अनुसंधान करने के साथ साथ जो लाभार्थी हैं उनको उन तक पहुँचाने में भी ये मदद करता है। आवश्यक संसाधनों की पहचान करने सहित कार्यक्रमों और उपायों के क्रियान्वयन का सक्रिय मूल्यांकन और सक्रिय मॉनिटरिंग करना भी इसका क्या है उद्देश्य है। कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए टेक्नोलॉजी का भी अपग्रेडेशन और उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उसके निर्माण पर भी क्या ये जोर देता है। राष्ट्रीय विकास के एजेंडा और उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियों का उत्तरदायित्व भी इसको दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने क्या है ये नीति आयोग के उद्देश्यों को पढ़ा। इसके पश्चात इसके कुछ कार्य भी हैं उनको हम देखते हैं नीति आयोग के कार्यों को। पहला कार्य जो है ये इसका है राष्ट्रीय लक्ष्य जो हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए राज्यों के सक्रिय सहयोग से क्या है राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं को क्या है एक साझा दृष्टिकोण को विकसित करना, ये इसका कार्य है। सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से राज्यों को क्या है लगातार संरचनात्मक सहायता उपलब्ध कराते हुए सहकारी संघवाद की भावना को क्या है बढ़ावा देना है। ग्रामीण स्तर पर विकास की योजनाएं इस दृष्टि से तैयार करना कि समाज के वर्गों को लाभ मिले जो उनसे अभी तक वंचित हैं। आर्थिक नीति और व्यूह रचना में ही राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों के मुद्दों का समावेश करना,
लंबी अवधि की विकास नीति और कार्यक्रमों तथा सामरिक संरचना और उसकी प्रगति तथा कुशल क्रियान्विति की मॉनिटरिंग करना और उसके आधार पर सुधार करना। तो इसके अलावा ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटकों, शैक्षिक शोध संस्थाओं, उनसे भी तालमेल बनाना और उनको क्या है जो नीति निर्माण का जो थिंक टैंक है उसका एक सहभागी बनाना भी इसका कार्य है। इसके अलावा विकास के एजेंडे में तेजी लाना और ऐसा मंच तैयार करना और सेवाओं के प्रभावी और सकल वितरण को सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रमों में मॉनिटरिंग करना और तकनीकी सुधार करना, पर्यावरण और शून्य प्रभाव के लक्ष्य को सस्टेनेबल विकास जो है उसका संकल्प प्राप्त करना, उद्देश्यों और कार्यक्रमों की सफल क्रियान्विति के लिए जो भी आवश्यक कदम हो उसको उठाना, ये सब क्या है नीति आयोग के कार्य हैं। तो भारत के संविधान के लागू होने के 2 माह की अवधि में ही देश की अर्थव्यवस्था के नियोजित विकास की रूपरेखा बनाने और उसको गति देने के लिए जो गठित योजना आयोग है उसको अचानक समाप्त करना का जो निर्णय है उसने क्या है राजनीतिक और प्रशासनिक समीक्षकों को चौंकाया। समीक्षकों ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते योजना आयोग के समक्ष फंडिंग के लिए प्रतीक्षारत रहने और उस दौर के हुए कटु अनुभवों की प्रतिक्रिया भी मानते हैं कुछ लोग। नीति आयोग के गठन पर केरल के मुख्यमंत्री उम्मन चांडी ने अपनी तात्कालिक प्रतिक्रिया में मोदी सरकार के इस निर्णय को मनमाना और सहकारी संघवाद की भावना के प्रतिकूल माना है। नीति आयोग में केंद्रीय सरकार के द्वारा पूर्णकालिक सदस्य के रूप में मनोनीत अर्थशास्त्री विवेक देवराय ने त्वरित राय जताई थी कि प्रधानमंत्री को नवगठित आयोग के क्षेत्राधिकार में अपने आप को बाहर रखना चाहिए। एक आलोचना यह भी की गई कि पूर्ववर्ती योजना आयोग भी गैर संवैधानिक निकाय के रूप में सरकार के कार्यकारी आदेश से ही देश की अर्थव्यवस्था का संचालन करता रहा और अब जो ये नई संरचना है उसके बनाने की हड़बड़ी में स्थिति को कोई सुनिश्चित प्रतिकार नहीं दिया गया और नीति आयोग भी क्या है गैर संवैधानिक संस्था के रूप में गठित है जैसे योजना आयोग था। यह शंका भी व्यक्त की जाती है कि गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक रूप से गठित यह आयोग भी पूर्ववर्ती योजना आयोग की भांति ही प्रधानमंत्री की उपस्थिति के कारण सुपर कैबिनेट स्थिति में बना रहेगा जिसकी संसद के प्रति जवाबदेहता सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। और इस बात की भी चिंता रहती है कि पंचवर्षीय योजनाओं की अनवरतता के संबंध में भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। यद्यपि नीति आयोग के कामकाज में राज्यों की राय को ज़्यादा महत्व मिलने के प्रबल संकेत हैं फिर भी मंत्रिमंडल सचिवालय, अंतर्राज्य परिषद और वित्त आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद से संबंधों में द्वंद्व और असहज स्थिति की आशंका चिंतकों को परेशान किए हुए हैं। योजना आयोग ने विशेष राज्यों, पिछड़े राज्यों, सीमावर्ती व पहाड़ी क्षेत्रों, जनजाति बहुल राज्यों के लिए जो विशेष सहायता के लिए मानक निश्चित किए थे उनकी अपेक्षा की जा रही है कि उन पर कोई विपरीत ना प्रभाव पड़े। इन चिंताओं के मध्य हम यही आशा कर सकते हैं कि नया आयोग सभी आशंकाओं को निर्मूल करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में क्या है प्रभावी भूमिका का निर्वाह करेगा।